नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रश्न एक, ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन का 43 की उम्र में किस वजह से निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी हार्ट अटैक या ऑप्शन डी ब्रेन स्ट्रोक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कैंसर। हॉलीवुड की सुपरहिट मार्वल फिल्मों में ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन का कैंसर की वजह से 43 की उम्र में निधन हो गया है। चैडविक 4 साल से कैंसर से लड़ रहे थे, उन्हें कोलोन कैंसर था। प्रश्न दो, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौन सा स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चुनौती, ऑप्शन बी ड्रीम स्टार्टअप, ऑप्शन सी स्टार्टअप चैलेंज या ऑप्शन डी ड्रीम। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चुनौती। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं लेकर आ रहे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नया कदम उठाया है। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चुनौती नाम से नया स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज का मकसद देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद बढ़ाने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इस चैलेंज के तहत देश में छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इस चैलेंज के तहत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 300 स्टार्टअप्स का चयन किया जाएगा। चुने गए प्रत्येक स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपए का सीड फंड और अन्य सहायता दी जाएगी। इस नई प्रतियोगिता के लिए सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए 95 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। प्रश्न 3, किस देश ने हवा में उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। जापान की स्काई ड्राइव इंक ने एक व्यक्ति के साथ अपनी उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान यह 3 मीटर यानी कि 10 फुट की ऊंचाई तक गई। करीब 1 मिनट तक हवा में एक जगह पर रही। यह कार ड्रोन की तरह एक बड़ी मशीन जैसी है। इसमें 4 पंखे लगे हैं। NEC ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह परीक्षण एक जालनुमा आकृति में किया गया। प्रश्न 4, किस देश को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी नेपाल। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अफ्रीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग ने अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। अफ्रीकी महाद्वीप में पिछले 4 वर्षों से पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है। पोलियो आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। पोलियो एक विषाणुजन्य और जानलेवा बीमारी है। यह WHO के लिए एक जीत की स्थिति रही है क्योंकि 6 WHO क्षेत्र में से 5 क्षेत्र अब वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त है। यह दुनिया को वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्राप्त करने और इसे पोलियो मुक्त ग्रह बनाने के करीब ले जा रहा है। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही वाइल्ड पोलियो वायरस संक्रमण देखने को मिलता है। प्रश्न 5, मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थी की सूची में किस राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु की महिलाओं ने ऋण लेने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने क्रमशः 2रा और 3रा स्थान हासिल किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद से ही महिला उधारकर्ताओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। प्रश्न 6, SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रविंद्र आचार्य, ऑप्शन बी विनय टोन्स, ऑप्शन सी अमित कुमार साहू या ऑप्शन डी नरेंद्र विश्वकर्मा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विनय टोन्स। प्रश्न 7, हाल ही में पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी केन्या या ऑप्शन डी कांगो गणराज। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कांगो गणराज। प्रश्न 8, किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहली बार
बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन स्थापित की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इटारसी या ऑप्शन डी मुंबई। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अहमदाबाद। प्रश्न 9, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न 10, किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी ईरान। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।